सीएम मनोहर लाल खट्टर आज फरीदाबाद पहुंचे और यहां उन्होंने सेक्टर 22-23 में फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण की दो जल आपूर्ति परियोजनाओं का उद्घाटन किया। अपने दौरे के दौरान एनआईटी दशहरा मैदान के विकास कार्यों और अमखीर चौक से दिल्ली सीमा तक विशेष सड़क मरम्मत कार्य का भी उन्होंने शिलान्यास किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले वक्त में लगभग 2500 करोड़ के विकास कार्यों का लक्ष्य रखा गया है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि फरीदाबाद का लगातार विस्तार हो रहा है, काम करने वाली संस्थाओं को मजबूत करने का काम भी जारी है। सीएम ने बताया कि विकास कार्यों को गति देने के लिए फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण का गठन किया गया ताकि तीव्र गति से विकास हो सके और विकास के कामों की फाइलें चंडीगढ़ में ना भेजकर फरीदाबाद से ही अप्रूव हो। अभी जैसे आज ही इन्होंने 4 प्रोजेक्ट, हालांकि छोटे प्रोजेक्ट है, बड़े नहीं है, 26 करोड़ के है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ की जो समस्या है उसमें पानी की बहुत बड़ी समस्या है। विस्तार हो रहा है शहर का तो पानी को सदुपयोग करने के लिए सिस्टम सारे बनाए जाते हैं। हमारा सौभाग्य है संयोग से यमुना नदी वो हमारे किनारे पर ही निकलती है, तो यमुना नदी में से रेनिवल के द्वारा पानी लेना ये बहुत कठिन नहीं है, इसलिए अभी तक शायद 25-30 रेनिवल लग चुके हैं। आगे भी स्कोप है, जितना पानी चाहिए आपको रेनिवल से पूरा पानी मिलेगा, कभी पानी की कमी नहीं आएगी, फिर और कितना ही बड़ा हो जाए। सड़कों के काम, अंडरपास के काम, फ्लाईओवर के काम, अब ये सारे लगभग FMDA के द्वारा ही किए जाएंगे। इन्होंने पिछले एक साल में 11 ऐसे प्रोजेक्ट जो वाटर सप्लाई के ज्यादातर हैं उसमें कुछ सड़कों के हैं, 56 करोड़ के इन्होंने काम कराए हैं और आगे की बहुत बड़ी योजना, क्योंकि FMDA भी बनाई है, अभी ये शिशु हालत में है, छोटा है, बड़ा नहीं हुआ है, तो पैसे भी इकट्ठे करने पड़ते हैं, काम को पार भी यानी काम को तारीख भी जाना पड़ता है, सब उसकी योजना बनानी पड़ती है। तो अगले एक साल के लिए जो महत्वाकांक्षी योजना FMDA की है उसमें 23, 25 और 73 करोड़ के काम इन्होंने अगले एक साल के लिए तय किए हैं। सीएम ने कहा कि सड़क से लेकर फ्लाईओवर तक के सभी काम जारी हैं, वहीं आने वाले वक्त में लगभग 2500 करोड़ के विकास कार्यों का लक्ष्य रखा गया है और पैसे की भी कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। सीएम ने ये भी कहा कि जल्द ही फरीदाबाद से नोएडा को जोड़ने के लिए नई सड़क का निर्माण होगा, साथ ही ईस्टर्न और वेस्टर्न फरीदाबाद को भी जोड़ा जाएगा। फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।